नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2024 को श्री शांति दिगंबर जैन मंदिर में चोरी हुई थी, जिसको लेकर संपूर्ण जबलपुर जैन समाज में काफी आक्रोश था। इसी घटना की गंभीरता को लेकर जबलपुर पुलिस ने पूर्व में धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले आरोपियों को चिन्हित करते हुए लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी संदेह को लेकर आरोपी संतोष केवट के घर पर पुलिस ने दबिश दी। आरोपी से शक्ति से पूछताछ करने पर उनसे अपने साथी मोहम्मद अकील, अजय गोड़ एवं कल्लू निवासी काडरपाड़ा पीपरिया के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। निशानदेही पर आरोपियों से चुराई गई मूर्ति एवं छत्र जब्त कर पुलिस ने संतोष केवट को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की पुलिस ने तलाश जारी कर दी है। ये थाना माड़ोताल अंतर्गत जो नक्षत्र नगर है, वहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर है। वहाँ पर 29 और 30 जनवरी की रात में एक चोरी हुई थी, जिसमें मंदिर से कुछ मूर्तियाँ और दान पात्र चोरी हुए थे। इसकी सूचना जब सुबह थाना माड़ोताल में दी गई, तो इस जैन मंदिर में चोरी को गंभीरता से लेते हुए जो उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भगत गोटरिया जी है, थाना प्रभारी माड़ोताल विपिन कामकार जी, इनके द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और लगातार इसमें मेहनत की गई, जिसमें जो एक आरोपी है इसमें संतोष केवट, जो कि थाना माड़ोताल अंतर्गत अमखेरा में ही निवास करता है, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने घटना को अपने तीन अन्य अन्य साथियों के साथ करना स्वीकारा। और इसमें जो अन्य संतोष केवट की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उससे 2 मूर्तियां और 3 दानपत्र जो है बरामद हुए हैं। और इसमें अभी तीन अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिसमें मोहम्मद अकील जो तिलवाड़ा में निवास करता है, अजय गौड़ जो कि उज्जैन का है, और कल्लू जो कि गाडरवाड़ा नरसिंहपुर का है। इनके लिए भी अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। मेन जो चीज़ें चोरी गई थी उसमें से मैक्सिमम जो है रिकवरी हो चुकी है। इसमें थाना प्रभारी माड़ोताल की उल्लेखनीय भूमिका रही है, और जो निरीक्षक बोलते हैं माड़ोताल के, और साथ ही साथ जो भी पूरा स्टाफ है थाना माड़ोताल का, उन्होंने लगातार मेहनत करके काफ़ी कम समय में इसको डिटेक्ट किया है। ये पूरी घटना को किस प्रकार अंजाम दिया था उन लोगों ने? इसमें चूंकि ये 2 आरोपी जो हैं इस प्रकरण के, संतोष केवट और मोहम्मद अकील, इन्होंने 2022 में इसी क्षेत्र में एक और घटना को अंजाम दिया था, वो भी बड़ी चोरी थी जो कि डिटेक्ट हुई थी। तो इनको ये उस क्षेत्र से अच्छे से जो है वाकिफ थे, तो इसी तरीके से इन्होंने इस घटना को भी अंजाम दिया था। उसी संदेह के सिलसिले में इनसे पूछताछ हुई, जिसमें जो है ये डिटेक्शन हुआ है। मंदिर से अभी क्या क्या जो चुराए हुए थे, क्या क्या जब्त हुए हैं? इसमें दो मूर्तियां हैं वो जब्त हुई हैं, और 3 दानपात्र जब्त हुए हैं। कुल मशरूके की, क्योंकि ये अष्टधातु की कीमत तो नहीं, क्योंकि अष्टधातु की जो मूर्तियां उनकी जो बताते हैं कि कीमत नहीं आकी जा सकती है, और मूर्तियां जो है भगवान की वो तो अमूल्य होती हैं, तो इसीलिए आई थिंक कीमत बताना चाहिए। दान पात्र में लगभग 70-80 हजार रकम थी जो भी रकम हुई। आपको जैन समुदाय के लोग भी कंट्रोल जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने हमें समय रहते जो है सूचना दी, और पूरा भरोसा जो है पुलिस पर रखा उन्होंने, जो भी 3-4 दिन डिटेक्टिव में लगे, इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और उनका पूरा कोऑपरेशन और सहयोग हमें पूरे डिटेक्शन के समय में। प्रतिमा के रूप में मूर्ति जिनको अपन कहते हैं, यह मंदिर से चोरी हुई छत्र और दान पेटियां, इसकी सूचना जैसे ही समाज के अन्य संस्थानों को, संगठनों को, मंदिरों को पता चला, तो जैन समाज की सर्वोच्च संस्था पंचायत सभा सक्रिय हुई, नक्षत्र नगर जैन समाज के साथ और भी अन्य मंदिरों के पदाधिकारी इसमें आगे हुए। माननीय विधायक अभिलाष जी पांडे सक्रिय हुए, माननीय प्रांत प्रचारक जी ने इसमें सक्रियता दिखाई, और प्रशासनिक रूप से पुलिस प्रशासन आदरणीय एसपी श्रीमान आदित्य सिंह जी ने पूर्ण निष्ठा और रुचि के साथ अपनी धर्म परायणता से इसमें अग्रणी रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया। इसके बाद नीचे की पूरी टीम, चाहे वह सीएसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, और चाहे टीआई श्रीमान विपिन जी ताम्रकार, जब वो मंदिर गए तो वहां पर वचन दे के आए थे कि
कि हम शीघ्रता से, आप लोग निश्चिंत रहिए, चोर को खोज निकालेंगे और मूर्ति पुनः मंदिर में स्थापित करके और हम चैन लेंगे। और उनने अपनी भूमिका का निर्वाह पूरी टीम के साथ थाना माढ़ोताल ने निर्वाह किया। इन सब ने जो सहयोग दिया, कुछ चीजें रह गई हैं वो और मिल जाएंगी, छत्र आदि जो रह गए हैं उसमें भी सक्रिय रूप से लगे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो और चाहे हमारी समाज के गणमान्य प्रतिनिधि हो जो समाज सेवा में संलग्न है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार जैन, पंच पंचायत सभा जबलपुर। जबलपुर से ब्यूरो चीफ पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.